هندستان خوب مردم هندستان هندستان سن ماں افغانستان ہاں افغانستان مل کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں تھوڑا باتیں کرتے تو اچھا لگتا ہے میں تو بہت بور بور لگتا ہے اکیلے اکیلے سے ارے نہیں ارے نہیں بھائی جان بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت اچھا لگا آپ سے مل کے پیسے نہیں لے رہے ہو میں پیسے دوں پیسے میں دے رہا ہوں پیسے نہیں یہاں پہ یہی ایک سب سے ہے کہ پیسے نہیں کوئی نہیں نہیں پیسے نہیں پیسے مہمان ماں مہمان ہے میں پھر میں نہیں لوں گا اس کو نہیں 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 آپ پلیز अच्छा कुछ ले लो आप नहीं नहीं यहाँ पे रखी हुई है ये चाकुएँ रखी हुई है अलग अलग तरह की भाई तो ये सब लेके यहाँ पे घूमते हैं पॉकेट के अंदर देख लो भाई ईरान हिंदुस्तान हिंदू बहुत अच्छा है हिंदू अच्छा है बहुत अच्छा है वो तालिबान के कंट्रोल पे आया हुआ है उसके बाद भी इधर बॉर्डर के क्रॉस कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है लोकल का ऐसा कहना है हिंदुस्तान तो बलूची तो नमस्कार कर रहे हैं तो गले लगा लो मैं क्योंकि वो ऐसी बात बोल दी है कि मैं क्या बताऊं वेलकम टू बलूचिस्तान भाई और पूरी फीलिंग आती है लोग को फर्स्ट टाइम देख के लगता है पाकिस्तान के सारे लोग हैं मगर बलूची है मुझे बार बार यही लगता है सबके साथ कि भाई ये उर्दू बोल लेते होंगे अच्छी मगर बाद में सोचा थी तो बलूची है क्योंकि मुझे जब दुबई में लोग मिलते थे ये बलूची बहुत है वहाँ पे मगर उस समय थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था मगर वहाँ पे दुबई के अंदर बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं वहाँ पे अगल बगल नेबर कंट्री में टर्की जाते हैं दुबई जाते हैं इसराइल जाते हैं जो भी इनकी नेबर कंट्री है तजाकिस्तान है वहाँ जाते हैं कजाकिस्तान है वहाँ जाते हैं काम करने के लिए और तेहरान जो कैपिटल सिटी है ईरान की वहाँ जाते हैं बलूचिस्तान से काम करने के लिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंडस्ट्री है नहीं बड़ी बाकी यही सब टूरिज़्म भी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे केवल यहाँ क्रॉसिंग लोग करते हैं पाकिस्तान वगैरह जाने के लिए बाकी यहाँ पे टूरिज़्म की ज़्यादा नहीं है कोई टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पर आता नहीं बस टर्मिनल से ले कर यहाँ तक जब तक मैं आया हूँ इतनी सारी बसें देखी टर्मिनल में लोग को बैठे वेटिंग करते हुए देखा वहाँ पर कोई फॉरनर मेरे को नहीं दिखा टूरिस्ट मैं एक टूरिस्ट था और अभी मैं जितना घूमा हूँ सुबह से घूम रहा हूँ कोई मुझे कोई भी फॉरनर नहीं दिखा है और जो एक टैक्सी वाला जो मैंने किया हुआ था उस बंदे ने बोला यहाँ कोई नहीं आता कोई टूरिस्ट नहीं आता है और जो आता भी है वो पाकिस्तान जाने के लिए आता है मैं पाकिस्तान को जाता हूँ ट्रैवल करने के लिए बलूचिस्तान पर नहीं दिखता है यहाँ पर कुछ होगा नहीं घूमने के लिए हो सकता है मगर मुझे आना था तो भाई आ गया यहाँ पर टूरिस्ट लोग आने से थोड़ा सा कतराते कभी भी किसी भी समय ये सब चीज़ें स्टार्ट हो सकती है बम फट सकता है किसी सिटी के अंदर या प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकता है कहीं पे तो ये थोड़ा सा तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी एक्सप्लोर कर लूँ मैं बलूचिस्तान को और फिर यहाँ से मैं जल्दी से आगे की ओर निकल जाऊँ भाई यहाँ पे भाई एक बाज़ार है बड़ी बाज़ार है पुरानी बाज़ार है और वहाँ चलेंगे एक्सप्लोर करेंगे उसको उधर की तरफ ही मैं जा रहा हूँ डायरेक्शन मतलब फॉलो करते करते मैप में और ये ATM है जैसा कि मैं कई बार बताया हूँ कि भाई हम और कोई भी टूरिस्ट होगा वो यहाँ पे ATM से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड यहाँ पे नहीं चलते और आपको यदि कार्ड यूज करना है और पैसे कैश लेके नहीं चलना है हर समय तो भाई यहाँ पे एक माँ कार्ड आता है उस माँ कार्ड को बैंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो मतलब हाथों हाथ आपको वो कार्ड मिल जाएगा दूसरा ऑनलाइन भी जाके रजिस्ट्रेशन कर दोगे और अपना होटल का एड्रेस डाल दोगे तो क्या एग्जीक्यूटिव आपके होटल पर आ जाएगा कार्ड लेके आपसे डॉलर पे यूरो पे जो पैसा होगा वो आपसे ले लेगा और उसमें वो टॉप अप कर देगा पैसा तो उस कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो पूरे ईरान के अंदर तो माँ कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको आप यूज कर सकते हो नहीं तो आप भाई डॉलर और यहाँ का लोकल तुमान रियाल लेके चलो बाकी आपको पता है US और UN के थ्रू जो सेंक्शन लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता है और यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं चलता है मैंने तो भाई VPN लेकर आया हूँ 1.5 महीने के आसपास मैं दुबई में था गाड़ी नहीं रुकेगी अब मुझे घुसना पड़ेगा कोई नहीं रुक रही है जाना पड़ रहा है देखा भाई बिल्कुल नहीं उसको दिख रहा है कि मैं सामने से आ रहा हूँ बीच में आ गया हूँ उसके बाद भी नहीं रुक रही है गाड़ी तो भाई वहाँ पे भी मैंने VPN यूज किया था दुबई के हिसाब से और वहाँ भी नहीं चलता क्योंकि वहाँ भी अब बैन हो गया है ये सब चीज़ें ना आप व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो ना वॉइस कॉलिंग कर सकते हो ना यूट्यूब चला सकते हो कुछ भी नहीं सब बैन है क्या बोलते हैं दुबई के अंदर तो यहाँ भी यहाँ तो वैसे भी बैन है सब कुछ तो यहाँ पे मैंने VPN टॉप क्लास का लिया है नंबर 1 का और मैं जितने दिन से हूँ मैं यूज कर रहा हूँ उसी से मेरा यूट्यूब चल रहा है उसी से मेरा व्हाट्सअप चल रहा है वीडियो कॉलिंग हो रही है सब कुछ मेरा फर्स्ट क्लास हो रहा है मेरा बस ये एक प्रॉब्लम है कि डाटा वगैरह कुछ समझ में नहीं आता इनके लोकल सिम कार्ड में मस्त लोकेशन है यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है और
इधर शाम हो रही है धीरे धीरे, और वहाँ पे वो शायद होटल है या मॉस्क है। इधर क्यूरोन चल रहे हैं, तो वही मैं बोल रहा था भाई आपको कि बिना VPN के काम नहीं चल पाएगा, और नेट यहाँ पे नहीं मिलता कहीं भी, किसी भी जगह जाओगे आप, हॉस्टल अच्छे होटल में जाओगे, 3 स्टार से ऊपर 3 स्टार होटल जाओगे तो आपको नेट मिल सकता है, उसके ऊपर तो मिलेगा ही आपको होटल पे, मगर हॉस्टल पे और लॉज में, होम और होम स्टे में, ट्रेडिशनल हाउस में, और क्या बोलते हैं मुसाफिर खाना में, इंटरनेट आप भूल जाओ, इंटरनेट बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। और ये है एक रेस्टोरेंट, हाँ काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे सबके गेटअप आप देखो सब वही पहने हुए हैं, सारे के सारे सलवार कुर्ता सब पहने हुए हैं यहाँ पे, और मैं ये कह रहा हूँ कि अलग दिख रहा हूँ, मतलब टी शर्ट में हूँ चल रहा हूँ तो इनसे थोड़ा भीड़ से अलग दिखता हूँ, कुछ लोग और है ऐसा नहीं है पहनते हैं, मगर सोचता हूँ यदि मैं भी एक सलवार कुर्ता ले लूँ यहाँ पे पहनूँ तो सही लगेगा। ये खूबसूरत सा पार्क आ गया हूँ मैं, बहुत बढ़िया ये पार्क है बड़ा सा, और इसी के पीछे एक बाज़ार है, तो बाज़ार चलेंगे, बस आगे ही अभी है, कम से कम 900 मीटर की दूरी होगी, अभी वहाँ पहुँचते हैं भाई। और लोग बड़े वैसे देख रहे हैं मेरे को, कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहा है ये, और बड़ा खाली खाली है जिस जगह में, जिस एरिया में मैं आया हूँ, लोग ऐसे गाड़ियों में घूम रहे हैं, बलूची के लोकल के लोग। यहाँ पर सैलून है, ऐसे ये सैलून बने हुए हैं, ये कुछ ऐसा है। सलाम भाई, सलाम भाई, सैलून उर्दू नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू, बलूची, हाँ बलूची, बलूची मुसाफिर टूरिस्ट हिंदुस्तान, तो बलूची नमस्कार कर रहे हैं। ओके, उर्दू नहीं, नहीं जानता है, थोड़ा सा जानता है बोला अभी। ये कैसे जानता है जो बोला? नहीं जानता है, बोला नहीं जानता। बलूची फुल, फारसी फुल, बलूची फुल, हाँ बड़ावे, बड़ावे, बड़ावे पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, ओके। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी खयाम, टैक्सी खयाम, खयाम दूर, दूर नज़दीक, नज़दीक ये नज़दीक, टैक्सी, ओके खुदा हाफिज़। ये था सैलून, जैसे देखा आपने लोकल के लोग हैं, मना कर वो बिल्कुल बलूची जानते हैं या तो फारसी जानते हैं, उनमें से कुछ लोग बलूची जानते हैं फारसी नहीं जानते, कुछ फारसी जानते हैं और बलूची नहीं जानते, इस तरह से फ़र्क है भाई। इंग्लिश वगैरह छोड़ दो, उर्दू भी छोड़ दो, कोई पाकिस्तान से होगा तो भी, क्योंकि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं पाकिस्तान, आपको कुछ पूछना है तो पाकिस्तान वाले के पास जाओ, मुझे दिखा देते हैं दुकान वगैरह कि ये शॉप है वहाँ पे पाकिस्तानी है, आप उनसे जाके आप पूछ लो। भाई अभी जा रहे हैं एक मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, चलते हैं वहाँ पे और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ जो लोकल के लोग हैं यहाँ पे बलूचिस्तानी, उनसे बातें साथें करेंगे, यदि वो कम्फर्टेबल फील करेंगे कैमरे के सामने कुछ बात करेंगे, पता है उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आएगी और मेरी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आएगी, और कोई उर्दू भाई होगा तो उनसे पूछेंगे लोकल के बारे में। यहाँ कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, फलाफल, 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 नाम, नाम, नाम फलाफल, हाँ फलाफल, ओके वही फलाफल है भाई, यहाँ पे जगह जगह पे मिल जाते हैं देखने को, और पता नहीं पूरे ईरान में मिलते हैं कि नहीं, मुझे अभी तक तो मिल रहा है फलाफल, और मैं भी बोर हो गया खा खा के, इसके पहले जितने टाइम था मैं पीछे, जितने टाइम मैंने एक्सपेंड किया फलाफल ही खा खा के काम चलाया है, क्योंकि फूड वूड ज़्यादा वेज के आइटम मिल नहीं रहते और नॉन वेज वाले भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी, बस ड्राई चपाती, रोटी, नान, जो भी कह लो, ड्राई ड्राई ड्राई, मैं बस में एक रोटी पूरी बस में खाते हुए आया हूँ ड्राई, क्योंकि भूख 3 बजे बैठा था, 11 बजे आया हूँ, बस वाले तो ऐसा भाई लेकर आए जैसे हाईजैक कर लियो हम लोगों को भाई, 8 घंटे तो कहीं रोका ही नहीं, 8 घंटे में केवल 2 बार उसने रोका फ्यूल पंप पे, किसी को उतरने नहीं दिया, मैं जितनी बार उतरना चाहूँ उतनी बार मेरे को बैठा दे, पता नहीं क्यों किसी को ना उतरने दे, तो भाई 8 घंटे के बाद तब जाकर वो उसने 11:30 बजे जाकर किसी हाईवे पे अंदर जाके खेत वेत के अंदर जाकर रोका था, वहाँ पे तब जाकर लोग उतरे थे, तो भाई और एक बार रोका, एक बार रुकी है पूरे दोपहर के 3 बजे से 11 बजे के बीच में,
मगर कोई बात नहीं, बस ठीक ठाक होती है, सभी बच को इन लोग वीआईपी बोलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सलाम सलाम भाई। सलाम सलाम, कैसे हो भाई? सब बढ़िया भाई। उर्दू बोल लेते हैं क्या? कहाँ? यहीं बलूचिस्तान से? कहाँ से आप? मैं इधर ही बलूचिस्तान से हूँ। कहाँ से? इधर ही। अच्छा, इधर से ही आप? मगर आप अच्छी बोल लेते हैं उर्दू, कैसे बोल लेते हैं? मैं राइश किया है। अच्छा, रहे हैं? जो पाकिस्तान वाले भाई है वो तो बढ़िया बोलते हैं। कोई आप कहाँ से? मैं तो हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से मुसाफिर घूमने आया है। अच्छा अच्छा, घूमने के लिए आया है। तो बहुत कम लोग यहाँ हिंदी बोलने वाले मिलते हैं मुझे, आप दूसरे मिले हैं सुबह से। अभी मेरे को मॉस्क में मिले थे एक भाई अंदर, बहुत देर उनसे बातें हुई थी, मगर आप भी बोल देते हैं। तो आप पाकिस्तान में मतलब बचपन से मतलब यहाँ रहे कि नहीं? हमारा राइश इधर ही हुआ है, बस वो आना जाना होता है। आना जाना होता है, रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे। हाँ वो तो है ही, बॉर्डर नज़दीक है। तब तो उधर भी बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है, क्वेटा है, कराची, क्वेटा, ग्वादर, थोरबाद, सारा लगा हुआ है। जुबान आप किसी लिए बढ़िया है, बढ़िया। तो भाई बाजार ये मतलब कितने बजे स्टार्ट होती है ये अली बाजार? ये बाजार सुबह 10 बजे से। मैं दोपहर में आया था, कुछ पूरा खाली था, कुछ नहीं अभी था। क्योंकि अभी काम हो रहा है यहाँ पे, रोड बंद किया हुआ है। अच्छा अच्छा, रोड बंद किया हुआ है, लोग कम आते हैं सुबह। तो रोड में लगती है क्या दुकानें? नहीं, यहाँ पे रोड को हटाएगा, यहाँ पे साइमान बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो शेड लगा देते हैं, छत लगा देते हैं। अच्छा, शेड लगाएगा। ओके, तो इसलिए काम हो रहा है अभी, इसलिए तो लोग कम आना चाहते हैं। कम आना चाहते हैं, दोपहर के बाद आते हैं, सुबह कोई नहीं आता। दोपहर के बाद शाम का मेन टाइम होता है, ये टाइम सबसे अच्छा है। हाँ, यही टाइम, ये टाइम सबसे अच्छा है शॉपिंग के लिए। तो ये जो बाजार है स्टार्ट यहाँ से हो जाती है मेन की आगे से स्टार्ट होती है अंदर है वो पहले रोड से आखिर से, ये आप सीधे जाएंगे वहाँ पे स्ट्रीट लगेगा चमरान का। अच्छा, वहाँ से शुरू होता है बस ये दो वहाँ। अच्छा, ये पूरी बाजार है जी। अंदर की तरफ भी है क्या? अंदर भी कुछ है, कुछ अंदर भी है। बच्चे सारे जगह इकट्ठा हो गए, सारे के सारे कैमरा वैमरा देख के आ जाते हैं बच्चे, पहले भी है। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीर है। ओह मोहम्मद अमीर, चलिए मिलके आपसे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। चलिए, अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मिलके, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा बातें करते तो अच्छा लगता है। मैं तो बहुत बोर लगता है अकेले अकेले से। अरे नहीं, अरे नहीं भाई जान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और चलिए मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही बाजार में, चलिए खुद आप भाई। तो बस भाई ऐसे ही मिल जाते हैं भाई लोग और बातें साथे होती है। कभी कभी तो कैमरा ऑफ करके कुछ बातें होते करते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने थोड़ा सा सोचना पड़ता है कुछ बोलने से, वो भी थोड़ा सोचते हैं क्या बोलूँ। पर कोई बात नहीं, टाइम की कमी की वजह से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। और चलते हैं, ये पूरा मार्केट है। भाई ने बताया कि ये जो रोड है भाई अभी थोड़ा सा बंद उन रही है, इसलिए दिन के टाइम में लोग बहुत कम यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी उड़ी अंदर नहीं आ पाती। बात तो सही है, वहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है पत्थरों के, मतलब लगे हुए, मैंने देखे अभी पत्थरों के लगे हुए हैं, वहाँ से कार वगैरह भाई नहीं एक्चुअली आ पाती है, तो लोग भी आना कम पसंद करते हैं। सलाम अलैकुम भाई। सलाम सलाम, कैसे है भाई लोग? उर्दू बोल लेते क्या? नहीं, पश्तो, फारसी, पश्तो। ओके, अच्छा, हम तो हिंदुस्तान से घूमने आया। उर्दू समझते नहीं? उर्दू जानता नहीं? नहीं जानता है। चलिए ओके, खुदा हाफिज़ भाई। और दूर से वो बोलने लगते हैं कुछ, इसलिए पास चले जाते हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैमरा ऑन रहता है, यदि कंफर्टेबल नहीं होंगे वो कैमरे के सामने वो खुद बोल देंगे मैं ऑफ़ कर दूंगा, मगर वो नहीं बोलते हैं तो वो जानते हैं, क्योंकि अवेयर रहते हैं, बाज़ार में बैठते हैं, आते होंगे कुछ टूरिस्ट ऐसे। और चल रहे हैं स्ट्रीट पर, वही बोला था कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड में, इसलिए लोग गाड़ी लेके आना कम पसंद करते, मतलब गाड़ी लेके इधर अंदर नहीं आ पाते, फिर लोग नहीं आते हैं, उधर लगा देते हैं बाहर की तरफ, और वो सब नाम चल रहा है वहाँ पे। हम इधर चल रहे हैं, मार्केट है, मेरे को भी नहीं पता, जैसा लोगों ने बताया है कि बाज़ार घूम लो, बाज़ार अच्छी है, बाज़ार चले जाओ, बढ़िया है, बड़ी बाज़ार है, पुरानी बाज़ार है, इसलिए मैं आ गया हूँ। शाम का टाइम और क्या कर सकते हैं किसी सिटी के अंदर भाई, और इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पे कोई नाइट लाइफ वगैरह कुछ तरह की तो होती नहीं है, इसी ऐसे ही लोग आते हैं अपनी शाम को इंजॉय करने के लिए, बाज़ार में शॉपिंग करने आते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, कोई स्ट्रिकल प्लेस पर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कुछ खाते उठते हैं, कुछ अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे ही होता है। तो इधर पूरा भीड़ हो गया है, थोड़ा गर्दिश हो गई है, और धीरे धीरे क्योंकि मैं इंटर करते जा रहा हूँ अंदर की तरफ,
और धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता जा रहा है तो लोग आते जा रहे हैं और चश्मे उसमें की दुकानें, ड्राई फ्रूट, कपड़ों की दुकानें, सब कुछ मिक्स है। और यहाँ पे ले लो भाई, ये मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते हैं इसको, उर्दू आती क्या जुबान? नहीं, नाम नाम नाम, नाम शो मी दिस योर शॉप। मैं नहीं समझ, अच्छा नहीं आता भाई इनको समझ में कुछ भी। यहाँ पे रखी हुई है ये चाकुएँ रखी हुई है अलग अलग तरह की भाई, यही सब लेके यहाँ पे घूमते हैं पॉकेट के अंदर। देख लो भाई ये अलग अलग तरह की है, ये तो ठीक है ऑर्डिनरी देखी जाती है ये सब चीज़ें। ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए 5-6 आइटम इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, ये चाकू है। ओके ओके, खुदा हाफिज़ भाई। और तो वो था, तो लोग अपने ये देखो जगह जगह पैसे रखी हुई है, नॉर्मल सी बात है, चाकू वगैरह भाई और बंदूक वगैरह नहीं रखी है भाई। ये भाई यहाँ का शायद ये चाय वाला है, ये चाय के लिए है, ये मैंने रशिया में भी ऐसे ही देखा था। और ये चाय के लिए जूझ करते इतना बड़ा, और इतने सारे डिजाइन यहाँ पे रखे हुए हैं भाई देखो ये। बाकी अलग अलग कुछ और यूज होते होंगे मगर जहाँ तक ये चाय के लिए यूज होता है बढ़िया। और नीचे पुराना मॉडल देख रहे हो भाई, वो एंटिक शॉप है एक बगल पे ये वाली, उसके पास सारा कुछ इस तरह की चीज़ें पुरानी भी रखी है, ले सकते हैं। ये बॉक्स सब पुराने हैं मतलब यूज्ड है, इनके पास रखा हुआ है मेंटेन, ये ले सकते हैं। बाकी तो न्यू आइटम है, तो ये मुझे चलते चलते दिखा दो, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। और बहुत खूबसूरत लगता है भाई, ये लोग यूज करते हैं। ये ऐसी है, लाइट वो ऑन हो गए भाई यहाँ पे स्ट्रीट में से, यहाँ भी कपड़े उपड़े से लगा देते हैं क्योंकि गर्मी में, क्योंकि दिन में वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि ईरान में यार कहीं भी जाओ ना 3-4 घंटे तो पूरे ख़राब हो जाते हैं क्योंकि पूरा ईरान शट डाउन होता है, बंद होता है वही 1 बजे के बाद और 4 बजे के बीच, मतलब 2.5-3 घंटे के लिए पूरी तरीके से मतलब बंद रहता है, कोई काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी आप जाओ कुछ नहीं होगा। मगर हाँ, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल ये सब जगह जाओगे तो यहाँ ऐसा नहीं रहता, यहाँ काम होते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी मार्केट्स लगा क्योंकि विंटर आ रहा है, ये सब विंटर के आइटम आ गए यहाँ पे, स्वेटर वगैरह, क्योंकि यहाँ का जो विजिट करने का जो सही टाइम होता है वो दिसंबर से मार्च के बीच का होता है, वो ठंडा होता है, बाकी पूरे टाइम गर्म होता है यहाँ पे। तो दिसंबर आने वाला है तो ठंड आ जाएगी यहाँ पे, हमारे इंडिया में नवंबर में मिड से आसपास स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ जब ज़्यादा हो जाएगी उधर तो इधर दिसंबर पे हो जाएगा। तो दिसंबर से मार्च के बीच विजिट करते हैं तो वेदर ठीक रहता है, अभी तो बहुत गर्म है इधर। और यहाँ पे ये कुछ क्या है, हाँ काजू वगैरह है, ये सब ड्राई फ्रूट है सारा कुछ। ये नाम बौद्मिन जी, हाँ उर्दू आती है? उर्दू उर्दू नहीं, फारसी। ये काजू है, काजू का ये दूसरा है, ये काजू कलर्स का चेंज है। हाँ पिस्ता, हाँ बादाम, ये भाई बता रहे हैं कि वो पिस्ता है वो बादाम, मैं भी भूल गया था। और ये सारे ड्राई फ्रूट के आइटम है, शॉप लगना स्टार्ट हो गई है सारा। कुजा हिंदुस्तान, हिंदू ओके, अफगानिस्तान उर्दू बोलते हैं? उर्दू ना, वहाँ फारसी ओके। बाजार ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा। तो भाई हिंदुस्तान मुझे अच्छा लगता है या हिंदुस्तान मुझे पसंद है या हिंदुस्तान क्या कुछ बोला था उन्होंने ऐसे हार्ट में हाथ रखकर, ऐसे कुछ बोला होगा, कुछ लगा रखे क्या है, चने हैं, चने। नाम भाई, सलाम, चना वन चना लपिस्ता पिस्ता اینا باید بشکنه مغز در آخرشون نه اینجا باید بشکنه لایک پستا پستا آره داخلش میشکنی مغز داره پستا بله صحیح بات ہے پہلے سمجھ میں نہیں آیا مجھے لگا تھا یہ کچھ اور بول رہے ہیں مگر جب کھا لیا تو پورا پستا والا ٹیسٹ آ رہا ہے اور یہ پورے پستا یہاں تک لگے ہوئے ہیں
सारा तो बलूची बलूची जुबान उर्दू नहीं थोड़ा 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 बोलते कितना बोल लेता कुछ नहीं नाम नाम बता सकता नाम यासिर यासिर नहीं बलूची से है आप बलूची से है ये बाजार का नाम बताएगा ये बाजार का नाम चारा रसूली बाजार गुड आम मुसाफिर दूरबीन आ गया ये थोड़ा जानता है चलेगा मुसाफिर हिंदुस्तान से घूमने आया है इधर ठीक घूम रहा है तो बाजार अभी बाजार आगे है आगे बाजार आगे है आगे जा रहा है चलो खुद हाफिज़ भाई ठीक है मिलकर अच्छा लगा चल रहा है भाई और तो रसूली बाजार में आना ही भूल गया आप लोगों को भाई इंट्रोडक्शन देना ही स्टार्टिंग में ही और आए भाई वो बच्चे आ जाते हैं मांगने के लिए ये सब कपड़ों की शायद लेडीज़ हाँ लेडीज़ शॉप है सलाम भाई और धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और ये बच्चा है हेलो एंड छोटा सा क्यूट सी बच्ची थी बच्चा था पता नहीं और हम चल रहे इधर सही है बाजार अब बिल्कुल वो गई पीछे कोई बोल रहा है कोई आवाज़ दे रहा है शाहरुख खान मुल्का सलमान खान मुल्का टी शर्ट सलाम अलैकुम भाई नाम लेडीज लड़की हाँ लड़की हेट ना अच्छा हिंदी उर्दू नहीं थोड़ा नहीं बलूचिस्तान यहाँ से चांस है अच्छा दुकान आपकी है तो क्या नाम क्या आपका आमिर चलिए मिलकर अच्छा लगा खुदा हाफिज़ तो बस भाई वो लेडीज़ का पहनने का वो था भाई चलते चलते यहाँ जलेबी दिख गई भाई यहाँ पे ये देखो जलेबी रखी हुई है फर्स्ट टाइम देखिए ईरान के अंदर और ये भी कोई होगा इसमें स्वीट पे आइटम पता नहीं क्या है ये बट ये तो जलेबी है साफ साफ समझ में आ रही है भाई और इनसे प्राइस लेता हूँ देखता हूँ कितने की है और आ रहे हैं भाई उधर को कुछ जलेबी निकाल रहे हैं वहाँ पर नाम ब्रदर नाम जलेबिया तो भाई बता रहे हैं जलेबिया उर्दू नहीं फारसी हाँ बलूची हाँ तो भाई हमारे यहाँ भी ये जलेबी बोलते हैं यहाँ पे जलेबिया बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जलेबिया सलाम खूबी जलेबिया दर खिदमत शुमा आशपा जिम्मा ईरान जलेबिया चंद तुमान किलो 120 तुमान 20 तुमान जलेबिया लाइक खूब ओके इधर जलेबिया इन हिंदुस्तान अरे हम हिंदुस्तान जिंदाबाद में जलेबी 120,000 जलेबी जलेबी बोलते हैं वहाँ पे यहाँ जलेबिया बोलते हैं आप कहाँ हैं बलूचिस्तान से अरे उर्दू में जानते हैं उर्दू जानते हैं उर्दू कम जानते हैं आप जानता है कैसे जानता आप उर्दू आपको कैसे आती उर्दू बोला हाँ महबूबा इन इंडिया लाइक लवर इन इंडिया इंडिया हिंदुस्तान उर्दू आपको कैसे आती शाहरुख खान हाँ शाहरुख खान करिश्मा कपूर आप देखते हैं अमिताभ बच्चन अनिल कपूर सलमान खान पिक्चर देखते हैं आप यहाँ पिक्चर देखते हैं आप अच्छा उर्दू कैसे आती है आपको उर्दू ना जानता है कम जानता है अगर जानता है बोल लेता है कैसे बोल लेता है कहाँ सीखा उर्दू ये जो बोल रहे हैं आप बोल यानी गुफ्तार हाँ बोल अच्छा पिक्चर देख के पिक्चर देख के पिक्चर यानी एक्स पिक्चर देख के अच्छा भाई पिक्चर देख के ये बस तक ना रहा मैं तो नेक्स्ट की रहा हां ये कौन है आपके पिता अच्छा हस्बैंड वाइफ एक्स भी है ओके जलेबी आप बना रहे हैं जलेबी हां भाई देखने चल रहे हैं कि भाई
वो जलेबी कैसे बना रहे हैं, और उनकी मिसेज भी आ गए थे, वो भी आ गए थे, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बता रहे थे, थोड़ी थोड़ी उर्दू वगैरह बोल रहे थे, चलो अच्छा कम्युनिकेट थोड़ा सा हो जाता है। और ये जलेबी बन रही है एकदम फ्रेश जलेबी निकाले और ये बना रहे हैं यहाँ पे। भाई देखो यहाँ पे ऐसे बनती है, बीच बीच में इन्होंने वो बना रखा है सर्कल ऐसे ऐसे मेटल का, और ये डाल रहे उसके अंदर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ पूरा प्लेन रहता है और ऑयल रहता है उसके ऊपर डालते हैं, ये ऐसे बना रखा है, इससे ये जलेबियाँ जो सर्कल बन रही है ना बाहर नहीं निकलेंगी। मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं ईरान के अंदर जलेबी बनते हुए, और यहाँ शॉप में रखी हुई है ये बन रही जलेबी। और बीच पर लगता है नहीं डालेंगे इसको, ये इसको पलटा पलटा के इसको ये उलट कर दिए। और वह इसका इतना बड़ा सिलेंडर जहाँ ऐसे चलता है बड़ा बड़ा, और ये ला रहे इसको अंदर डाल दिया। ये चीनी का बना हुआ जो मिक्सर है, ये शरबत है, शरबत शरबत बोलते हैं, शरबत शरबत ये शरबत है, शरबत के अंदर शक्कर 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 भी बोलते हैं, शक्कर 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 का बना हुआ तीनाम किया तीनाम 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 इस विषमा इस ये डाल दिया उसके अंदर। ये खमीर है, खमीर ये मिक्सर है, मिक्सर खमीर 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 जलेबी जलेबी इससे बन रहा है, वही फायदा होगा। मैदा खमीर बोलते हैं उसको, खमीर मैदा बोलते हैं। खत्म हो गया लास्ट फिनिश खलास 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 हो गया है। और ये मिलाया क्या डाला इस पर, ये मिक्स क्या किया, ये चलो कुछ भी हो रहा है, ये मिक्स कर दिया, मिक्स करने ज़रूरत है ना, ज़रूरत है खमीर जुलुबिया हमेशा सुन्नती है, जुलुबिया जुलुबिया हमेशा सुन्नती है ना, सुन्नती है, सुन्नती ऑर्गेनिक 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 सुन्नती कार मिकने बहुत दस्का नहीं जम जाते के दस्का दारा इतना बताने का मतलब है जो दुकानों और मिठाइयां होती है भाई वो मिक्सचर होती है मगर ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वो मिक्सचर बनाया पेस्ट ये डाला ये तो भाई सही बात है, जलेबी इसमें क्या मिलाएंगे कोई भी मावा खोया ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बस लास्ट इनका लास्ट कोट है ये निकल जाएगा और ये यहां से डाल के यहां जलेबी जैसे बनती है नॉर्मल निकाल के यहां पे रख दिए। तो भाई देखते जलेबी मुँह में पानी आ गया इसलिए मैंने कहा भाई ले लेते हैं थोड़ी सी। भैया का नाम अली है और इनकी मिसेज है महबूबा, उनको महबूबा महबूबा एंड अली क्या कह रहे थे आप सॉन्ग महबूबा 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 हमसार महबूबा हमसार 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 महबूबा हमसार गुड 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 कपल गुड जोड़ी मुसाफिर भी तो नहीं मुसाफिर टूरिस्ट टूरिस्ट है ओके 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 टूरिस्ट ईरान बहुत बद बहुत नहीं जाना बस अच्छा नहीं अच्छा नहीं हिंदू बहुत अच्छा है हिंदू अच्छा है बहुत अच्छा है कहाँ पे कहाँ यहाँ अच्छा हिंदू बहुत अच्छा अच्छा हिंदू अफगानिस्तान अफगानिस्तान नहीं और भाई बोल रही है कि आप उधर मत जाओ हिंदू अच्छा है हम हिंदू है हम हिंदू है शोले नहीं क्या क्या बोले पर शो हाँ फरिश्ता बिजनेस शोले अच्छा बिजनेस अच्छा भाई पहले वो क्या बोलते हैं मैं पूछ रही थी कि बिजनेस पूछना चाह रहे होंगे पहले बोले फरिश्ता भाई नहीं समझ में आया फिर उनको लगा कि शोले शोले नहीं लगा बिजनेस क्या करते हो बिजनेस बिजनेस बहुत अच्छा है हिंदू में बहुत अच्छा है आप लोग भी बहुत अच्छे है बहुत बहुत गुड गुड है ओके सलामत जोड़ी सलामत रहे आप लोग की ओके ओके खुदा हाफिज़ चलते हैं भाई ये जलेबी काउंटर यहाँ पे था यहीं से निकल रहा था मैं मार्केट से बाजार से और देखा तो भाई बस पूछो मत तो भाई रहा नहीं गया और ले लिया मैंने जलेबी मेरी ये रखी है यहाँ पे ये ली है और पता नहीं कितनी इनको पैसे देते हैं और भाई चलते हैं भाई देखो भाई क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं पैसे नहीं ले रहे हो मैं पैसे दो पैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे यही सबसे है कि पैसा नहीं कोई नहीं नहीं पैसा नहीं नहीं पैसे मेहमान मेहमान शुमा मेहमान पैसा नहीं आऊँगा दोबारा आऊँगा नहीं 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 कल सारी बात कल कल पैसा नहीं आप पैसे नहीं नहीं मेहमान फिर मैं नहीं लूँगा मेहमान शुमा मेहमान है मैं फिर मैं नहीं लूँगा उसको नहीं 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 आप प्लीज़ अच्छा कुछ ले लो आप नहीं नहीं अच्छा एक
मेहमान है माँ, एक ले लो आप। मेहमान भाई वो देखो पैसे नहीं ले रहे हैं, यही 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 एक चीज़ है कि भैया पे पैसे नहीं लेते और मेहमान बोलते हैं मैं दे रहा हूँ पैसे, मैं कुछ भी ले लो आप पूरे ले लो, मगर यही प्रॉब्लम है कि नहीं ले रहा, मैं क्या करूँ भाई, अभी भी दे रहा हूँ मैं, पैसे नहीं ले रहे आप। मैं कल फिर आऊँगा। नहीं मैं क्या करूँ भाई, बोले नहीं ले रहे, और कस्टमर कस्टमर भी आ गए हैं और खड़े हुए हैं। मेहमान हबीब शुमा मेहमान। अच्छा कल आएगा मैं दोस्तों माँ। ओके कल आएगा मैं, पैसे देगा भाई, इनको गले लगा लो मैं, क्योंकि वो ऐसी बात बोल दी है कि अब मैं क्या बताऊँ। खिदमत चलेगा, खिदमत है। ओके खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। देख लो यहाँ पे भाई ये देखो भाई ये हाल है भाई, इतना कर रहे हैं इसमें डर लगता है निकलने में। ये पीछे पूरी लाइन लग गई भाई, बहुत बड़ी, और लोग बहुत बहुत ख़राब चलाते हैं। मतलब ये चीज़ मुझको बहुत यहाँ देखने को जो मिलती है ना, ये खूब मस्ती करते रहते हैं गाड़ी, मतलब नहीं रोकते किसी को। कि यहाँ जैदान की जो मेन मार्केट है, मतलब ये मेन मार्केट है क्योंकि कैपिटल सिटी है, और देखो पॉपुलेशन मैंने बता दिया आपको कि यहाँ 600,000 की टोटल पॉपुलेशन है जैदान की, और पूरे प्रोविंस की बात करेंगे सिस्टर नाम बलूची की तो भाई वो पूरी पूरी 25,00,000 की है। और बता दिया उन्हें नेबर कंट्री बिल्कुल लगी हुई बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान है, बिल्कुल लगा हुआ उसका जो फर्स्ट बॉर्डर पड़ता है इस यहाँ जैदान से फिर जाने के लिए वो है ताप्तान बॉर्डर पड़ता है, और अफगानिस्तान तो है ही है भाई बिल्कुल बगल में, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब से वो हैंड ओवर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी आगे चलता हूँ तो मैं बोलता हूँ, और जब से वो तालिबान के कंट्रोल पे आया हुआ है उसके बाद भी इधर बॉर्डर के क्रॉस कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। लोकल का ऐसा कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, और कई लोगों से मुसाफिर कोई एड्रेस पूछ रहा है मेरे से तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं खुद एक मुसाफिर हूँ भाई, मुसाफिर अच्छा लगता है बोलने पे, मुसाफिर। और ठीक है इधर चल रहे हैं सब, बाज़ार आगे है, अंदर वाली मार्केट क्योंकि दुकान लोगों ने खोली है, और खोलते ही मैं उनकी दुकान पे जाऊं और रेट वगैरह लूँ, फिर इंटरेस्ट ना दिखाऊं तो वो भी सोचेंगे कि रिकॉर्डिंग के लिए बंदा आ रहा है, और इस वजह से तो किसी कहते नहीं है, स्टार्टिंग है अभी, शॉप ओपन ही किया है, तो उनको मैं जाकर नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए उनसे रेट वगैरह ये सब पूछूँ। जहाँ लगेगा मेरे को कि ठीक ठाक है तो वहाँ पूछ लूँगा मैं। इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, कपड़े उपड़े सब बढ़िया लगे हुए हैं, ये सब पूरा ठंडी आ रही है, अब सब विंटर के आइटम पूरे भर गए हैं, कोट वगैरह जैकेट्स ये सारे। ये इधर भी मार्केट जा रही है, यहाँ थोड़े से पैसे आइटम रखे हुए हैं, दूरबीन से हेलो हाँ, ये दूरबीन है पीछे से बोला, पता नहीं मुझे ऐसा समझ में आया, वो कह रहा क्या है ये, तो मैंने बोला दूरबीन है भाई, बहुत सारे लोग देखो दूरबीन बोलते हुए सुना है, तो इसलिए मैं दूरबीन बोल रहा हूँ, कैमरा नहीं बोलता मैं, जब वो कैमरा बोलते तो फिर मैं कैमरा बोलता हूँ। और इधर आ गए मार्केट, सलाम